हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HR एडिटिंग। तो इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कैसे आप इस तरीके से इंस्टाग्राम में अपने हैप्पी बर्थडे स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम ओपन करके अपने फोटो को ऐड कर लेना चाहिए। फोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस टेक्स्ट को यूज़ करके कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस बॉक्स का कलर अपने बैकग्राउंड से मैच करना होगा, और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आके इसी फॉन्ट को यूज करके आपको फिर से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस बॉक्स का कलर अपने बैकग्राउंड से मैच करना होगा, और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा, और इस बार आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स का कलर आपको ब्लू रख के अपने बॉक्स में अपने फोटो को ऐड कर लेना है, फोटो ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना पड़ेगा। स्टिकर पे आने के बाद आपको ब्लैक हार्ट करके सर्च कर लेना है। ब्लैक हार्ट करके सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा आपको स्टिकर्स मिल जाएगा, इसमें से कौन सा भी अपने फोटो में ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से स्टिकर्स ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज करके अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना चाहिए। टेक्स्ट ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड स्टोरी पर। तो सेकंड स्टोरी बनाने से पहले, आप अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाके जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आपको सेकंड स्टोरी में क्या करना पड़ेगा, अपने फोटो को ऐड कर लेना चाहिए। फोटो ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना पड़ेगा। स्टिकर पे आने के बाद आपको सर्कल करके सर्च करना होगा। सर्कल करके सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा स्टिकर्स मिल जाएगा, आपको इस स्टिकर को ऐड कर लेना है, और इसको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा। ड्रॉ में आने के बाद आपको इस पेंसिल को यूज़ करके कुछ इस तरीके से आपको कलर को चूज़ कर लेना है। कलर चूज़ होने के बाद आपको स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा, और आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और नेक्स्ट आपको इस पेंसिल को यूज़ करके कुछ इस तरीके से इरेज करना होगा। कुछ इस तरीके से इरेज होने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। टेक्स्ट में आने के बाद आपको इस फॉन्ट को यूज करके कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा।
कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना पड़ेगा। स्टिकर पे आने के बाद आपको ब्लैक हार्ट करके सर्च कर लेना है। ब्लैक हार्ट करके सर्च करने के बाद आपको स्टिकर को ऐड करना पड़ेगा। स्टिकर को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टोरी भी क्रिएट हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।